जी, आज आपको मैंने कहा था कि हम लोग डेप्रिसिएशन का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल आपको मैंने जो टर्म्स यूज होती कंपनीज के अंदर वो सारी एक्सप्लेन की थी। डेप्रिसिएशन के अंदर जो मेनली चीजें आप लोग कवर करेंगे, एक तो हम लोग रिकॉल करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी जो एंट्रीज वगैरह होती हैं, और आपका ने कहा था इसी से लिंक करके आ जाता है IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, दूसरा काउंटिंग ट्रीटमेंट, तीसरा IAS 16, ये चीजें हम लोग इसमें सारी कवर करेंगे। इंट्रो के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के कितने मेथड्स हैं, तो वही तीन चार मेथड जो हैं वो आप लोग यहाँ पे एक तो रिकॉल करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको ने कहा कि जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रीज हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास की जाती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, और IAS 16 के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट रिकग्निशन मेजरमेंट। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आपका ने कहा था ये जो IAS 16 और डेप्रिसिएशन ये दोनों इंटरलिंक टॉपिक बन जाते हैं, इसलिए इनको पैरेलल ही हम कंटिन्यू करेंगे। मतलब शुरू में तो मैं पहले बेसिक चीज़ों की डेप्रिसिएशन की कराऊंगा, फिर साथ साथ IAS 16 के पॉइंट और न्यूमेरिकल साथ साथ आपके चलते रहेंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, कुछ डेफिनेशंस यूज होती हैं, तो हम जरा डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। और ये डेफिनेशन मैं आपको IAS 16 वाली ही कराने लगा हूं। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसने कुछ डेफिनेशंस दी हैं कि इन टर्म्स का क्या मीनिंग लिया जाएगा, तो वो डेफिनेशंस मैं यहां पे साथ कराने लगा हूं। जैसे डेप्रिसिएशन, अब आपको पता होना चाहिए डेप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है, तो उसके लिए हमें उसकी डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, तो वो सारी डेफिनेशन जो हैं वो IAS 16 में अवेलेबल हैं, तो वहीं से अब मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Property, plant and equipment. अब स्टैंडर्ड इसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, ICAP ने कहा हुआ है कि रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड आपको नहीं कहा जाएगा, मतलब आपको मैं ये नहीं कहूंगा IAS 16 के मुताबिक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन लिखो। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया, तो आपका ओपन बुक पेपर है वो तो आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड से देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये भी मैं जो वर्डिंग लिखूंगा 100% स्टैंडर्ड की डेफिनेशन की वर्डिंग तो नहीं होगी, बट 90-95% वर्ड मैं वही यूज कर रहा हूँगा। ठीक है, जिस दौर में हम लोगों ने किया हुआ उस वक्त हमें याद करना पड़ता था, लेकिन अब क्योंकि आपको जरूरत नहीं है तो मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स हेल्ड फॉर use in manufacturing process or for rendering of services or
फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड लाइफ इज मोर देन वन ईयर. एक तो स्टैंडर्ड कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर एसेट्स. कह रहे हैं ये आपके एसेट्स होते हैं. कौन से एसेट्स? हेल्ड फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए रखा होता है, मतलब मशीनरीज वगैरह. मशीनरीज आपने अपने पास इसलिए रखी होती है ना, चीज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. कहता वो गई. या फिर कह रहा है फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपने रखा होता है. अब जैसे आप अपने कॉलेज की एग्जाम्पल ले लें, आपका कॉलेज एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है. अब ये कोई चीज मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो क्लासरूम में फर्नीचर पड़ा है, एसी लगे हुए हैं, मल्टीमीडिया लगा हुआ है, ठीक है, ये सारे उनके एसेट्स हैं. लेकिन किस मकसद के लिए यूज हो रहे हैं? रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए. तो कहते हैं ये भी आपके एसेट्स होते हैं. फिर आगे कह रहे हैं फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स, या गुड्स डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है. जैसे आपकी व्हीकल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, आपने देखा ना कंपनीज के ट्रक्स वगैरह होते हैं कस्टमर को डिलीवरी वगैरह देने के लिए, या शॉप्स पे डिलीवरी देने के लिए. कह रहा है वो भी इसमें आ जाते हैं. आगे कह रहा है फॉर रेंटल टू अदर्स, या अदर को किराए पे देने के लिए रखा होता है. जैसे आपने देखा होगा, अगर बेसिक लेवल पे आप आ जाए, रेंट अ कार, लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, गाड़ियां रखी हुई किराए पे दे देते हैं. कमर्शियल लेवल पे चले जाएं तो लोगों ने मशीनरीज रखी हुई है, ठीक है, मशीनरीज किराए पे दे देते हैं. अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये जब आप लोगों का घर वगैरह बन रहा होता है तो मल्टीपल टाइप की मशीनरीज चाहिए होती हैं. मतलब जैसे आपने देखा मार्बल वगैरह लगाते हैं लोग, पॉलिश वगैरह करने आते हैं, तो अक्सर लोगों की वो मशीन अपनी नहीं होती, वो किराए पे लेके आए होते हैं. इसी तरह ये लोग जो पेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें जो कंप्रेसर वगैरह वो यूज कर रहे होते हैं स्प्रे के लिए, तो वो भी अक्सर लोग किराए पे लेके आ रहे होते हैं. तो कुछ लोगों ने क्या किया होता है, वो खरीद के रखे होते हैं, आगे लेट आउट किराए पे दिया करते हैं. तो कह रहे हैं रेंटल टू अदर्स के लिए आपने वो चीज रखी होती है. या कह रहे हैं फॉर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, या कह रहे हैं किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए आपने रखी होती है. जैसे आप अपने कॉलेज की एग्जाम्पल ले लें, एडमिशन ऑफिस में जो फर्नीचर पड़ा है, जो कंप्यूटर के सिस्टम्स वगैरह पड़े हैं, अब वो ना तो सर्विसेज रेंडर करने के लिए यूज हो रहा है, ना मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ना किराए पे देने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है. तो कह रहे हैं वो भी इसमें आ जाते हैं. और फिर एंड पे कहते हैं एंड लाइफ इज मोर देन वन ईयर, लाइफ उनकी एक साल से ज्यादा होनी चाहिए. तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, ठीक है. तो स्टैंडर्ड जो है ना बड़ी वास्ट डेफिनेशन देते हैं, तकरीबन सारी चीजों को इसमें कवर कर जाते हैं. तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने मशीनरी भी ले ली, ठीक है, फर्नीचर वगैरह भी इसी में कवर कर गया, बिल्डिंग्स वगैरह भी आपकी इसी में ही आ गई, एंड सो ऑन. नेक्स्ट टर्म एक्सप्लेन करते हैं कॉस्ट. ठीक है, यानी एसेट की कॉस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं. रूटीन में जितने की चीज खरीदी होती है वो आपकी कॉस्ट होती. मतलब आपने 1000 रुपए की मशीनरी खरीदी तो 1000 रुपए कॉस्ट हो गई, 5 लाख की खरीदी तो 5 लाख हो गए. यानी सिंपल लफ्जों में अगर आप पूछें तो जितने की चीज आपने खरीदी. लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंसिडरेशन पे. ठीक है, कि आप लोगों ने जो कंसिडरेशन पे की
क्या वो इन कैश थी या के बार्टर ट्रांजैक्शन था या पार्टली इन कैश? ठीक है, कॉस्ट का मतलब जितने का एसेट खरीदा, अब वो कितने का खरीदा, कहता है ये तो कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने उसकी पेमेंट किस फॉर्म में की। देखिए, एक है कंसिडरेशन, आप इन कैश पे करो, मतलब पैसे देके चीज खरीद लो। अगर आपने 10 लाख रुपए देके मशीनरी खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10 लाख। और अगर 5 लाख देके खरीदी हो तो 5 लाख। तो यहां पे स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट वुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी पेड और टू बी पेड टू acquire the asset ठीक है। आपको कहते हैं अगर आपने कंसिडरेशन कैश में पे की थी देन कॉस्ट वुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ मनी पेड, कह रहे जितने पैसे दिए उतनी कॉस्ट होगी, और टू बी पेड या जो पैसे देने हैं, ठीक है, एसेट को एक्वायर करने के लिए। मतलब फर्ज करें आप लोग मेरे पास आए, आपने कहा मशीनरी कितने की, मैंने कहा 5 लाख की, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए मशीनरी लेके, तो अब वो जो आपने 5 लाख दिया वो उस एसेट की कॉस्ट हो गई, मतलब आपका एसेट 5 लाख में पड़ा। नेक्स्ट आप मेरे पास आए, आपने कहा मशीनरी कितने की, मैंने कहा 5 लाख की, आपने कहा पैसे मैं हफ्ते बाद दूंगा, मैं कहा ठीक है बाद में दे देना। अभी आपने मुझे पैसे दिए नहीं बट कितने देने हैं? 5 लाख, तो कहता कॉस्ट 5 लाख की होगी, इसलिए उसने लिखा ना अमाउंट ऑफ मनी पेड के जो पैसे दे चुके हो और टू बी पेड या जो देने हैं, कह रहा है वो एसेट की कॉस्ट होती है। अच्छा, उसका स्टैंडर्ड ने इसके एक एक्सप्लेनेशन में लिखा है सेंटेंस आगे, कहते कई दफा डेफर पेमेंट करने की वजह से, डेफर पेमेंट का मतलब पोस्टपोन करने की वजह से, कहते कुछ फालतू पैसे देने पड़ जाते हैं, वो जो फालतू पैसा होता है वो इंटरेस्ट होता है, कहते वो एसेट की कॉस्ट में उस वक्त तक ऐड नहीं करना जब तक IAS 23 अलाउ ना करे। IAS 23 आगे जाके हम लोगों ने पढ़ना है बोरोइंग कॉस्ट, जो इंटरेस्ट वगैरह की ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कहते हैं कई दफा डेफर पेमेंट करने की वजह से, डिले इन पेमेंट करने की वजह से कुछ फालतू पैसे देने पड़ जाते हैं, वो फालतू पैसा इंटरेस्ट होता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना अनलेस के स्टैंडर्ड 23 आपको कह के ऐड कर दो। अब फर्ज करें एक एसेट है, आप मेरे पास खरीदने आए, मैंने कहा 5 लाख का, आपने कहा पैसे मैं 6 महीने बाद दूंगा, मैंने कहा नहीं फिर 5 लाख नहीं, फिर आप मुझे 5.5 लाख देना। अब आपने मुझे पैसे देने कितने? 5.5 लाख, लेकिन वैसे कैश पे अगर आप खरीदते तो कितने का था? 5 लाख। तो ये जो 50,000 मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, स्टैंडर्ड कहता है ये इंटरेस्ट का दे रहे हैं, तो कहता है ये इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट सिर्फ सिलेक्टेड एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है, और कहता है वो IAS 23 ने जो कहा है उनमें ऐड होती है। वो आगे जाकर IAS 23 पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। लगा
जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एसेट के बदले एसेट ले लेना। मतलब आपने मुझे पुरानी गाड़ी दी, साथ कुछ पैसे दिए, नई गाड़ी ले गए। आपने पुरानी मशीनरी दी, साथ कुछ पैसे दिए, नई मशीनरी ले ली। यानी एक्सचेंज ऑफ एसेट हो जाना, उसे हम कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। या मैंने लिखा है कि कंसिडरेशन पार्टली इन कैश, कि कुछ पैसे दिए, कुछ चीज़ें दे दी। अब फर्ज करें आप लोगों ने मुझे अपनी एक पुरानी मशीनरी दी जिसकी मार्केट में कीमत थी 5 लाख, साथ आपने मुझे 2 लाख कैश भी दे दिया, आपको नई मशीनरी कितने में पड़ गई? 7 लाख। तो उसकी जो कॉस्ट आप लोग लेंगे वो 7 लाख लेंगे, ठीक है। यानी इधर स्टैंडर्ड ने आपको गाइड किया कि कॉस्ट वुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। ठीक है, कॉस्ट वुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप प्लस कैश एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, कौन से एसेट की मार्केट वैल्यू? एसेट गिवन अप जो आपने दिया प्लस कैश एडजस्टमेंट। अच्छा देखिए, मैंने वर्ड यूज किया कैश एडजस्टमेंट, एक्चुअली वो एड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने मुझे पुरानी मशीनरी दी जिसकी मार्केट में कीमत थी 5 लाख, साथ आपने मुझे 2 लाख कैश भी दिया, तो आपको नया एसेट कितने में पड़ गया? 7 लाख में। अब मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूँ, आपने मुझे अपनी पुरानी मशीनरी दी जिसकी मार्केट में कीमत थी 5 लाख, इन रिटर्न मैंने आपको एक मशीनरी दी, 7 लाख रुपया वापस कर दिया। अब आपको नई मशीनरी कितने में पड़ गई? अब वो 4 लाख में पड़ी, अब आप 6 लाख नहीं कहेंगे। उसकी रीजन क्या थी कि 5 लाख वाली मशीनरी दे के लाख वापस भी तो मिल गया। तो इसलिए इधर मैंने एडजस्टमेंट का वर्ड लिखा है, वो ऐड भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। तो ये इसके अंदर सेकंड चीज थी, कॉस्ट। ठीक है, यानी पहले आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बताई, अब हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया। अब आते हैं नेक्स्ट, रेसिड्यूल वैल्यू। रेसिड्यूल वैल्यू के लिए और क्या वर्ड यूज हो जाते हैं? स्क्रैप वैल्यू यूज हो जाती है, सालवेज वैल्यू यूज हो जाती है, ठीक है, ट्रेड इन वैल्यू यूज हो जाता है। बट स्टैंडर्ड ने रेसिड्यूल वैल्यू का वर्ड यूज किया हुआ है। रेसिड्यूल कहते हैं ना बाकी, और रेसिड्यूल वैल्यू मीन जो बाकी वैल्यू बचे। अच्छा, इसमें जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो आप लोगों को आनी चाहिए। इनिशियल स्टेज के ऊपर ना आपको इस तरह कह दिया जाता है कि जब एसेट की लाइफ खत्म होगी जितने का बिकेगा उसकी स्क्रैप या रेसिड्यूल वैल्यू होती, लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। देखें, अभी जो मैंने स्टेटमेंट दी कि जब इसकी लाइफ खत्म होगी जितने का बिकेगा, फर्ज करें इसकी लाइफ थी 5 साल, तो 5 साल बाद आपको मैं कहता हूँ 2 लाख का बिक जाएगा, तो आपके जहन में होगा कि 2 लाख स्क्रैप है इसकी। देखें, 5 साल बाद का 2 लाख क्या आज के 2 लाख के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। इस हिसाब से तो फिर आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी चाहिए। लेकिन कभी आपने आईटीए में स्क्रैप के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकाली? नहीं। एक्चुअली ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मतलब सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए अक्सर आपको इस तरह कह देते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर कि जब एसेट की लाइफ खत्म होगी जितने का बिकेगा वो स्क्रैप,
हालांकि इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये आईकैप ने ना आपके पेपर में एमसीक्यू के अंदर टेस्ट भी कर ली है कि इस तरह की डेफिनेशन भी लिख दी जो मैंने अभी बोली है और सही वाली भी लिख दी ताकि देखे स्टूडेंट कौन सी टिक करता ऑप्शन। तो स्टैंडर्ड ने रेजिडुअल वैल्यू को डिफाइन किया है कि आज इस एसेट की क्या कीमत होगी। अगर ये आज उसी कंडीशन में पहुंच जाए जिस कंडीशन में लाइफ खत्म होने के बाद होना था, ठीक है, यानी स्टेटमेंट में थोड़ा गौर करें तो काफी फर्क बन जाता है। उसने कहा आज इस एसेट की मार्केट में क्या कीमत है, अगर ये आज उस कंडीशन में पहुंच जाए जिस कंडीशन में लाइफ खत्म होने के बाद होना था, मतलब फर्ज करें एसेट की लाइफ है 5 साल, तो आज आप देखो मार्केट में 5 साल पुराना एसेट कितने का बिक रहा है, ठीक है, यानी वो आपने इस रेजिडुअल वैल्यू में जो कीमत लेनी है वो आज की लेनी होती है, लेकिन कंडीशन उस एसेट की क्या होनी चाहिए जो लाइफ खत्म होने के बाद होगी। मतलब 5 साल आप जब एसेट इस्तेमाल कर चुके होंगे तो आज आप मार्केट में जो कीमत देखो तो 5 साल इस्तेमाल वाले एसेट की देखो, ठीक है। तो अब वो क्योंकि आज की कीमत ले रहे हैं तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत है, नहीं, वो तो पहली आज वाली कीमत है ना, तो इसलिए आप लोग रेजिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू नहीं कैलकुलेट किया करते। अदरवाइज आप देखेंगे जहां कहीं फ्यूचर के कैश फ्लो की बात करते हैं तो हम पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनी कि आज एसेट की मार्केट में क्या कीमत होगी अगर ये आज उस कंडीशन में पहुंच जाए जिस कंडीशन में लाइफ खत्म होने के बाद इसने होना था, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाती। आप लोगों के पास मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में आईकैप का स्टडी टेक्स्ट वगैरह अवेलेबल है, वहां से अगर आप डेफिनेशंस पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, एग्जैक्ट आपको इसकी वर्डिंग वगैरह वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट, डेप्रिशिएबल अमाउंट। रेजिडुअल वैल्यू आप कहने का स्टैंडर्ड ने कहा कि आज इस एसेट की मार्केट में क्या कीमत होगी अगर ये आज उसी हालत में एसेट पहुंच जाए जिस हालत में लाइफ खत्म होने के बाद होना था, ठीक है। मसलन अगर फर्ज करें आप मुझे कहते हैं आपकी जो मशीनरी है इसकी 5 साल लाइफ है, तो आज आप मार्केट में जाकर देखो वो एसेट जो 5 साल इस्तेमाल हो चुका है वो कितने का बिक रहा है, उस कीमत को आप लोग उसकी रेजिडुअल वैल्यू ट्रीट कर दो। अच्छा, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब वो अमाउंट जिसको आपने डेप्रिशिएट करना होता है ओवर द लाइफ। फर्ज करें एक मशीनरी मैंने खरीदी 10 लाख रुपए की, आपको मैं कहता हूं इसकी 5 साल लाइफ है, 5 साल के बाद रेजिडुअल के तौर पे ये 2 लाख में बिक सकता है। मतलब 10 लाख की आपने मशीनरी खरीदी और बाद में आपने कहा 2 लाख का बिक सकता है, तो इसका मतलब आपके इस्तेमाल करने की वजह से इसकी वैल्यू में कितनी कमी आ रही, 8 लाख। तो 8 लाख आपकी कहलाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब आप लोगों ने 8 लाख को डेप्रिशिएट करना होगा। तो ये 8 लाख की फिगर हमने कैसे कैलकुलेट की कि एसेट की कॉस्ट में से लेस कर दी उसकी रेसिड्यूअल वैल्यू। ठीक है, तो एसेट की कॉस्ट में से उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाती है। यूजफुल लाइफ। अच्छा, यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन तो स्टैंडर्ड में है लेकिन मैं साथ ही इधर एक्सप्लेन कर दूंगा इकोनॉमिक लाइफ।
ठीक है, IAS 16 में यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक की नहीं है, लेकिन ये मैं थोड़ा अक्सर स्टूडेंट मिक्स करते रहते हैं, इसलिए मैं दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूजफुल लाइफ वैसे नाम से क्या लग रहा है? जितना टाइम आप एसेट को यूज कर सकते हो, लेकिन अब मसला आता है कि फिर इकोनॉमिक लाइफ क्या चीज हो जाती है, तो इनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो पहले हम यूजफुल लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड ने लाइफ को इन टर्म ऑफ ईयर्स भी एक्सप्लेन किए, इन टर्म ऑफ यूनिट्स भी एक्सप्लेन किए। मैं भी ईयर्स के हिसाब से पहले बताता हूं। तो यूजफुल लाइफ का मतलब वो नंबर ऑफ ईयर्स जितना अरसा एक सिंगल यूजर उस एसेट को यूज करेगा, ठीक है। यानी यूजफुल लाइफ की डेफिनेशन ने क्या कहा, वो नंबर ऑफ ईयर्स जितना अरसा एक सिंगल यूजर उस एसेट को यूज करेगा। फर्ज करें मैंने एक गाड़ी खरीदी, आपको मैं कहता हूं 4 साल इस्तेमाल करके मैं गाड़ी बेच दूंगा। अब मेरे लिए उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। क्या 4 साल बाद वो गाड़ी यूजलेस हो चुकी होगी? नहीं। अब जो बंदा मुझसे खरीदेगा, फर्ज करें उसने कहा जी मैं 3 साल इस्तेमाल करूंगा, तो उसके लिए यूजफुल लाइफ कितनी होगी? 3 साल। जिसको उसने बेची, उसने 2 साल इस्तेमाल की, गाड़ी यूजलेस हो गई, अब उस बंदे के लिए लाइफ कितनी थी? 2 साल। तो यूजफुल लाइफ हर यूजर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने क्या कहा, वो नंबर ऑफ ईयर्स जितना अरसा एक सिंगल यूजर इसको इस्तेमाल करेगा वो उसकी यूजफुल लाइफ होती। अब मेरे लिए यूजफुल लाइफ 4 साल थी, अगले वाले के लिए 3 साल थी, उस अगले वाले के लिए 2 साल थी। लेकिन अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात की जाए, तो इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है होल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी स्टैंडर्ड कहते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स जितना अरसा नंबर ऑफ यूजर्स इसको इस्तेमाल करेंगे। उधर वर्ड क्या यूज हो रहा था? सिंगल यूजर। इधर वर्ड यूज हो रहा है नंबर ऑफ यूजर्स। जैसे 4 साल मैंने इस्तेमाल की, अगले ने 3, टोटल कितना हो गया? 7। उसे अगले वाले ने 2, 9, तो 9 ईयर इसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ बन गई। तो इकोनॉमिक लाइफ का मतलब होता है होल लाइफ ऑफ द एसेट, ठीक है। अच्छा, आपको ने कहा था लाइफ को स्टैंडर्ड ने ईयर्स में भी एक्सप्लेन किया, यूनिट्स में भी किया। ये तो भी जो मैं कह रहा था 5 साल इस्तेमाल करूंगा, 4 साल इस्तेमाल करूंगा, ये उसकी ईयर्स के हिसाब से मैं लाइफ था रहा था। फर्ज करें मैंने जो गाड़ी खरीदी, आप लोगों को मैं कहता हूं कि 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं बेच दूंगा, अब उसकी लाइफ कितनी है? 50,000 किलोमीटर, चाहे मैं महीने में पूरे कर दूं, चाहे मैं 25 साल लगाऊं 50,000 किलोमीटर चलाने पे, लेकिन अब उसकी लाइफ 50,000 किलोमीटर कहलाएगी, ठीक है। तो लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, लाइफ यूनिट्स के हिसाब से भी हो सकती है। इसी तरह मशीनरी है, हो सकता है मैं कहूं यार ये मशीनरी मैं 5 साल के बाद बेच दूंगा, ये भी हो सकता है मैं कहूं ये मशीनरी 10,000 घंटे इस्तेमाल करने के बाद बेच दूंगा, तो घंटों के हिसाब से भी लाइफ आ सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है मैं आपको कहूं इस मशीनरी से 1,00,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद इसको बेच दूंगा, तो अब इसकी लाइफ यूनिट्स के अंदर चली गई, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, ईयर्स में भी हो सकती, यूनिट्स में भी हो सकती। तो अब इन दोनों में मेन डिफरेंस किस चीज का हुआ? हाँ, इसमें सिंगल यूजर होता है और इसमें मल्टीपल यूजर्स की बात की जाती है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, यानी जो टॉपिक का नाम भी है, इसको स्टैंडर्ड डिफाइन करता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल
life. ठीक है, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. ठीक है, कि एसेट की जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको उसकी लाइफ में सिस्टमैटिकली खत्म करने को डेप्रिसिएशन कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट का वर्ड यूज हुआ था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यूजफुल लाइफ का वर्ड यूज हुआ था वो भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. नेक्स्ट, कैरिंग अमाउंट. ठीक है, कैरिंग अमाउंट को नेट बुक वैल्यू भी आप लोग कह सकते हैं, मतलब वो वैल्यू जिस पे एसेट बुक्स में कैरी किया जा रहा है. तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस. ठीक है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस. के एसेट की कॉस्ट में से आज तक जितनी डेप्रिसिएशन ले चुके हो वो माइनस कर दो, और फिर अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस हुआ है वो भी माइनस कर दो. इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है वो इंशाल्लाह ये 36 में जाके आप लोग पढ़ोगे. तो ये कुछ टर्म्स थी जो इस चैप्टर के अंदर यूज हुआ करती हैं. तो ये मैंने वो टर्मिनोलॉजी सारी एक्सप्लेन की है ताकि जब वो वर्ड आए पेपर में तो उसका मतलब आपको पता हो. अब हम जरा आ जाते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के आपके मेथड कितने थे.
ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड, आवर्स मेथड और डिप्लीशन मेथड। जी स्ट्रेट लाइन मेथड या कई दफा इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का वर्ड भी यूज हो जाता है। जी अब एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 240,000, रेजिडुअल वैल्यू थी 40,000, आपको कहा जाता है डेप्रिशिएट करें 10% यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा अब इसकी कैलकुलेशन हम जरा देखते हैं। देखें जब आप लोगों ने एसेट खरीदा तो उस वक्त उसकी कॉस्ट थी 240,000। फर्स्ट ईयर जब आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो कितने का एसेट खरीदा हुआ है? 240,000। लेकिन इसमें से 40,000 एज अ स्क्रैप रिकवर हो ही जाएगा, तो कॉस्ट में से अगर स्क्रैप माइनस करें बाकी क्या बचता है? 2,00,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट। उस डेप्रिशिएबल अमाउंट पे हम इसका रेट अप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, 20,000 हाँ जी, अगर दी भी स्क्रैप तो है वरना नहीं होगी। अच्छा अब इसके अंदर एक थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, आप लोगों में से जिन लोगों ने पीआरसी में आईटीए की बुक वगैरह देखी है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसने जो रेट दिया होता है वो कॉस्ट के ऊपर ही अप्लाई कर जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली उसने रेट कैलकुलेट करते वक्त उसकी कुछ कैलकुलेशन इस तरह की है कि उसने जो डेप्रिशिएशन की फिगर है उसको बेस बना दिया हुआ कॉस्ट के ऊपर। तो प्रॉपर तरीका वैसे इसका यही चलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, कॉस्ट में से पहले स्क्रैप माइनस करें, जो डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाए उस पर रेट अप्लाई कर दें। अभी कितना आ गया? 20,000 माइनस करके बाकी आ जाएगा 2,20,000। अब सेकंड ईयर जब आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे तो सेम यही वर्किंग की जाएगी, तो फिर अमाउंट भी तो सेम आ जाएगी,
थर्ड ईयर भी वर्किंग क्योंकि रिपीट होगी तो अमाउंट सेम आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट में से पहले स्क्रैप माइनस करें, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगी उस पर रेट अप्लाई किया करें। अब देखिए, अगर आप लोगों को मैं कहूं ये डेप्रिसिएशन का ग्राफ बनाओ, तो पहले साल 20,000, अगले साल 20,000, अगले साल 20,000, तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इस वजह से हम इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। अच्छा, अगर ये स्क्रैप ना दी होती 40,000, तो फिर आप लोगों ने 10% किसका लेना था? कॉस्ट का। तो आईकैप का एग्जामिनर क्या करता है, कई दफा जब उसने क्वेश्चन में स्क्रैप ना दी हो तो वो आपको कहता है 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिशिएट कर दो। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कॉस्ट का ही 10% ले लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये एग्जामिनर से तब यूज करता है जब स्क्रैप क्वेश्चन में ना गिवन हो। स्क्रैप अगर क्वेश्चन में गिवन है तो फिर वो यही वर्ड यूज करता है, स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रेट, कि ये जो 10% रेट है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो होता है 100 ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, 100 ओवर यूजफुल लाइफ। जैसे आप लोगों को एसेट की लाइफ 2 साल है तो डेप्रिसिएशन रेट क्या आ जाएगा, 50%। अगर आप लोगों को लाइफ 4 साल है 25, अगर 10 साल कह दूं तो 10%। ठीक है, तो ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। अच्छा, कई दफा आप लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की फिगर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन द एब्सेंस ऑफ रेट। तो हम लोग क्या कर दिया करते थे कि कॉस्ट लेस स्क्रैप ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, स्क्रैप लिख लें या रेजिडुअल वैल्यू लिख लें। तो यहां से आपका डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की फिगर फाइंड आउट हो जाया करती है। तो ये भी हम लोगों ने इसका फर्स्ट मेथड एक्सप्लेन किया, यानी इनफैक्ट समझ लेके रिकॉल किया इंट्रो में, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग इसके जो बाकी मेथड्स हैं वो और इसकी एंट्रीज वगैरह भी कवर करेंगे। अच्छा, इसमें वैसे तो आप लोगों की मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करती हैं, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट वीक था, कुछ स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन करना है हमें मंडे से, तो इसलिए आज आप लोगों की ना लास्ट क्लास हम लोग करेंगे इस वीक की। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को होगी। ठीक है, थैंक यू जी।